दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर भाजपा पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आपके नेताओं को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस को जारी रखने का आरोप लगाया है। वहीं सिसोदिया ने ट्वीट किया कि पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरे घर पर भी रेड डाली और कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। वहीं आपके हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।